लखीमपुर खीरी जिले में एक और बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं और उस तैयारी में कोई खामी न होने पाए इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों को डायरेक्ट लखनऊ बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जोड़ दिया गया है। लेकिन लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में बिना बाढ़ के ही लोग बाढ़ की विभीषिका झेलने पर मजबूर हो गए हैं। आपको हैरत हो रही होगी कि आखिर बिना बाढ़ के यह कैसे संभव है। चलिए हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर यह कैसे संभव है। यह तस्वीरें हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। जहां आपको सड़कों घरों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, सड़कें गलियां चौराहे साथ ही घर पूरी तरह से जलमग्न हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दरअसल यूपी में मानसून का आगमन होते ही अब लखीमपुर खीरी जिले में भी मानसून आ चुका है। लोग जहां तेज गर्मी से परेशान थे, वहीं अब मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिला दी है। लेकिन इस मूसलाधार बारिश ने तहसील पलिया को टापू बना दिया है और पूरा नगर जलमग्न हो गया है, जिसके चलते अब नगरवासियों में काफी आक्रोश पालिका प्रशासन के खिलाफ दिखाई देने लगा है और लोग पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इसकी पोल जब खुली, जब रविवार की सुबह 7:30 बजे के आसपास तेज मूसलाधार बारिश होने लगी और लगभग 1 से 1.5 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद जहां पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल तो खोली ही, तो वहीं जल निकास की समुचित व्यवस्था न होने के चलते परिया की मेन सड़कें, तहसील और इसके अलावा मोहल्ला इकराम नगर, माही गिरान, रंगरेजान सहित अन्य मोहल्ले जलमग्न हो गए। लोगों के दुकानों और घरों में 1.5 से 2 फुट पानी की शिकायत भी की, लेकिन पालिका प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं अभी पहली बारिश में नगर का यह हाल है, तो आगे बरसात के महीने में क्या होगा। वहीं नगरवासियों ने सरकार से गुहार भी लगाई है कि जल्द से जल्द हमको इस परेशानी से निजात दिलाएं। आरटीआई न्यूज 24 के लिए निर्वेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मामला है, ये पानी कैसे भरा? पानी पहली बारिश, आज दूसरी बारिश है। इतना पानी भरा है, मेरे खेतों में भरा है, मेरा फसल सब नष्ट हो गई, पूरे मोहल्ले में पानी भरा है। और क्या नाम, यो का नाम नगर पालिका के में गए कहने की नाला साफ करवा दो, पानी खुलवा दो, कोई नहीं सुनता है, ना चेयरमैन सुनता है, ना कोई नगर पालिका में सुनता है। बताओ क्या करें हम, अपनी फसल क्या करें, सब पूरा ताल भरा पड़ा है, पूरे मोहल्ले का पानी आया, पूरे मोहल्ला भरा है पूरा, और पूरे मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। क्या नाम है आपका? नौसाद अहमद। क्या मामला है आपका? अरे भैया देखो, बहुत परेशानी है, पानी भरा हुआ है, निकलने की इतनी दिक्कत है, घरों में पानी भर गया, नाली बंद करनी है, चेयरमैन कोई काम ही नहीं कर पाता, अपना है ही ना निकाल, नाली सब बंद पड़ी है। तो आप लोगों ने नगर पालिका से नहीं कहा? अरे नगर पालिका क्या, चेयरमैन ही ऐसा है, कोई काम ही नहीं कराता है भैया, उनके प्रशासन में सब जमादार आए इस करते। अच्छा, तो क्या वजह है, कितने सालों से यहाँ पानी भर रहा है? अब तो पहली बरसात हुई है, पहली बरसात में ये हाल है अभी। अब आगे अगर और पूरा दिन गिर गए हैं तो घर घर डूब गए, घर में पानी भर जाएगा। है हमारे घर में भरा है, और भी कई लोगों के घर में, हाँ सब घर में यहाँ भरा है पानी, जितना इनके घर में पानी भर गया था हमारे पड़ोस में। क्या नाम है आपका? बरकत अली। कहाँ रहते? माही गिरान, ये नई बस्ती। क्या है मामला आपका? बरकत अली। क्या है मामला? ये है, सब पानी पानी भरा है, पानी चल रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घरों में पानी भरा है, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं और बहुत मुश्किल है, खाना पीना बनाने की बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान है। बस नगर नहीं रहा, नगर पालिका को सुन रहा है, कोई अधिकारी आ नहीं रहा है, बहुत परेशान हम लोग, खाने पीने से परेशान है, खाना पीना बना नहीं सकते। बस नाम है आपका? रहमत अली। क्या मामला है जो आपके मोहल्ले में पानी भरा? जा चुका हूँ चेयरमैन के पास 6 बार, लिखित में भी दे चुका हूँ, ईओ को पुलिया बंद करवा रखी है रोड पे, बरसात हो रही है, पूरे मोहल्ले का पानी भी मेरे खेत में, कोई सुनवाई नहीं है। मोहल्ले में पानी, पूरे मोहल्ले में पानी भरा है, देख लो खुद, मेला राम के पास भी गया, ईओ के पास भी गया, चेयरमैन के पास भी गया, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं वो लोग? हो जाएगा, बस हो जाएगा, हो कब जाएगा ये कोई पता नहीं है। हर साल पानी भरता है? हर साल पानी भरता है, इस बार तो नाला तक साफ नहीं कराया है मेरे 20 बार जाने के बाद। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।